बॉलीवुड की पिक्चरों से लेके उनके पर्सनल सीक्रेट तक, अफेयर से लेकर ब्रेकअप की गॉसिप पर, हमारे साथ रखें सितारों की पल पल की खबर सिर्फ वी नेशन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं कोमल कशिश। स्वागत है आप सभी का एंटरटेनमेंट में। भारती सिंह के न्यूबॉर्न बेबी की पहली तस्वीर इंटरनेट पे हुई वायरल। क्या है सच्चाई? टीवी की जानी मानी कॉमेडियन भारती सिंह की एक फेक फोटो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को भारती के किसी फैन ने एडिट करके इंटरनेट पर शेयर किया है। रणबीर कपूर की बैचलर पार्टी में स्टार्स मचाएंगे धमाल। रणबीर कपूर ने अपने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट से शादी से पहले बैचलर पार्टी देने का प्लान बनाया है। इस पार्टी में अर्जुन कपूर, आदित्य रॉय कपूर और अयान मुखर्जी शामिल होंगे। इस तरह से रणबीर कपूर की बैचलर पार्टी में बॉलीवुड से उनके करीबी दोस्त और बचपन के दोस्त शामिल होंगे। सोनम कपूर ने कराया प्रेगनेंसी फोटोशूट, बेबी बम फ्लॉन्ट करते हुए दिया पोज। बॉलीवुड इंडस्ट्री की लोकप्रिय एक्ट्रेस सोनम कपूर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर बेबी बम फ्लॉन्ट करते हुए बेहद बोल्ड फोटोशूट कराया है। तलाक के बाद सामंथा रूद प्रभु और नागा चैतन्य को ऑफर हुई फिल्म। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सामंथा रूद प्रभु और नागा चैतन्य के अलग होने के बाद मशहूर डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी की फिल्म ऑफर हुई है। दोनों को एक साथ 2019 में आई फिल्म ओ बेबी में साथ देखा गया था। चारू असोपा ने परंपरागत तरीके से मनाया गणगौर। सोलह सिंगार कर दुल्हन की तरह सजी सुष्मिता सेन की भाभी। चारू असोपा ने गणगौर पूजा की, जिसके लिए एक्ट्रेस लाल पोशाक पहनकर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी नजर आई। इससे जुड़ी उनकी फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सलमान खान ने फिल्म सिटी में तुड़वाया कभी ईद कभी दिवाली का सेट, अभी जगह नहीं होगी शूटिंग। सलमान खान ने कभी ईद कभी दिवाली का प्रोडक्शन अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने फिल्म सिटी से सेट तुड़वा दिया और अब फिल्म की शूटिंग पनवेल फार्म हाउस में होगी। शाहरुख खान की पठान को लेकर ज्योतिषी ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा बॉक्स ऑफिस पर तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड। ज्योतिषी पंडित जगन्नाथ गुरुजी ने शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की, जिसे जानने के बाद सारे ट्रेड पंडितों के होश उड़ गए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म शाहरुख खान को एक दमदार वापसी करा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली फाल्गुनी शाह को दी बधाई। भारत मूल की गायिका फाल्गुनी शाह को बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अवार्ड शो के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर स्पेशल पोस्ट कर गायिका को बधाई दी। फिल्म आरआरआर के 41 दिन की कठिन साधना के बीच नंगे पांव ऑडियंस रिएक्शन देखने थिएटर पहुंचे राम। अपने फैंस का रिएक्शन देख के एक थिएटर वहां मौजूद फैन स्टार्स को देख कब हो गए। अपने चहेते कलाकार को थिएटर में मौजूद देखकर हर शख्स उन्हें करीब से देखना चाहता था।